गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया साइज एंड शेप। माइक्रोबायोलॉजी की व्याख्यान माला में पिछले तीन टॉपिकों में और पिछले तीन वीडियोज में हमने आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री के बारे में, वेरियस साइंटिस्ट के वर्क के बारे में, एंड जस्ट इससे पहले जो हमारा पार्ट थर्ड था उसमें हमने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंट के बारे में बताया गया था कि इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया की साइज एंड शेप के बारे में अध्ययन करेंगे। साइज, उसका आमाप, कितने बड़े आकार का वो होता है, आमाप या आकार कह सकते हैं हम इसे, एंड शेप, उसकी आकृति। तो बैक्टीरिया की आमाप व आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। बैक्टीरियल साइज, बैक्टीरिया के आमाप के बारे में हम बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो रेयरली ही माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा दिखाई देते हैं, अर्थात ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्हें नहीं देखा जा सकता है। इनका जो साइज है वो बहुत ही कम होता है, माइक्रोमीटर में इनके साइज को मापा जा रहा है। साइज में क्या है, बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, जितने भी विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु होते हैं उनके साइज भिन्न भिन्न होती है। एवरेज साइज के बारे में बात करते हैं हम तो जीवाणुओं की जो एवरेज साइज 1 से 3 माइक्रोमीटर तक होती है, 1 माइक्रोमीटर टू 3 माइक्रोमीटर, 1 से 3 माइक्रोमीटर तक की होती है। क्योंकि इसी में हम कोकस की बात करते हैं, कोकस जीवाणु इस प्रकार के होते हैं जो स्फेरिकल या राउंड शेप में, अर्थात गोलाकार आकृति के, जस्ट लाइक एज इस प्रकार के, ये गोला गोला बन गया तो गोलाकार आकृति के ये होते हैं और इनका व्यास लगभग 0.5 से 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है। एक एवरेज आमाप है ये। बेसिलस, जिन्हें हम क्षणाकार कहते हैं, क्षणाकार इस प्रकार से बनते हैं ये बैक्टीरिया, ये इस तरह से रॉड शेप स्ट्रक्चर में। तो ये जो बैक्टीरिया हैं 0.3 से 15 माइक्रोमीटर तक इनका व्यास होता है और जनरली इनकी जो 15 माइक्रोमीटर है यह जनरली इनकी लेंथ होती है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसका आमाप 0.15 से 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है, यह सबसे छोटा जीवाणु है, डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। लार्जेस्ट बैक्टीरिया स्पाइरेलम वॉल्यूटेंस है जिसका साइज लगभग 13 से 15 माइक्रोमीटर तक होता है, ये स्पाइरल शेप में होता है, स्पाइरल शेप अर्थात कुंडलित। तो जीवाणुओं के साइज में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, जनरल के जो साइज होता है उसको माइक्रोमीटर में मापा जाता है, जो एक जटिल प्रक्रिया होती है क्योंकि ये काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, जब इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते तो इन्हें मापना एक जटिल कार्य होता है। लेकिन एक जो मापनी होती है सूक्ष्मदर्शी पे ही मापनी लगी होती है, प्रारंभ में तो इसे RBC के साइज से तुलना करके मापा जाता था, लेकिन आजकल सूक्ष्म मापी युक्त नेत्रिका आती है उसकी सहायता से इसे मापा जाता है। वन माइक्रोमीटर 1 mm का 1000वां भाग होता है, अर्थात 1 mm का भी 1000 गुना ये भाग होता है और ये काफ़ी सूक्ष्म होता है। शेप ऑफ बैक्टीरिया,
जीवाणुओं की आकृति। आकृति के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित चार वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं वेसिली। यहाँ जनरल आप समझ लें कि ये चार प्रकार के बैक्टीरिया हमने आपको यहाँ बता रहे हैं, चार वर्गों में हमने बांटा है। ये तो बेसिली बेसिली जो गोलाकार होते हैं, राउंड शेप होते हैं। बेसिलस ये रॉड शेप होते हैं। स्पाइरल ये स्पाइरल में होंगे, सर्पिल होते हैं। और एक होते हैं कॉमा शेप्ड, जैसे नाइन का जो अक्षर होता है उसकी तरह, नाइन का जो अंक होता है उसके शेप में ये पाए जाते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट बेसिली बैक्टीरिया। बेसिली एक प्लूरल वर्ड है, बहुवचन शब्द है। इसके लिए बेसिलस सिंगुलर वर्ड यूज किया जाता है। एक वचन में बेसिलस, एक जीवाणु है तो उसे हम बेसिलस कहेंगे। ये रॉड शेप होंगे, छड़ के आकार के होते हैं और जनरली सामान्यतः ये सिंगल के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात एक एक पृथक पृथक से पाया जाएगा। बेसिली है तो इस प्रकार से एक पृथक पाया गया, अगला एक पृथक हो गया, इस तरह से ये पाए जाते हैं और सिंगल फॉर्म में इन्हें हम बेसिलस के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पेयर्स में पाए जाते हैं, अर्थात दो दो के समूह में पाए जाते हैं। इस तरह से ये दो 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 का समूह हो गया। ये यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं, दो दो का जो समूह होता है उसे हम डिप्लोबेसिलिक के नाम से जानते हैं। ये पेयर्स में पाए जाते हैं। थर्ड है स्ट्रेप्टोबेसिली। स्ट्रेप्टो मीन्स होता है चेन बनाते हुए, स्ट्रेप्टो चेन। तो जब बेसिली जीवाणु, एक से अधिक बेसिली जीवाणु चेन बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं तो उन्हें हम स्ट्रेप्टोबेसिली के नाम से जानते हैं। अब ये चेन कैसे बनाएंगे ये देखें आप। ये एक जीवाणु हो गया, ये दूसरा जीवाणु, ये तीसरा जीवाणु हो गया, ये चौथा जीवाणु हो गया, ये पांचवा जीवाणु। तो इस तरह ये कि लंबी चेन बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं, इन्हें हम स्ट्रेप्टोबेसिली कहते हैं। तो डिप्लोबेसिली जिसमें दो बेसिलस जीवाणु दो दो के समूह में पाया जाता है। स्ट्रेप्टोबेसिली जिसमें बेसिली जीवाणु एक चेन बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम स्ट्रेप्टोबेसिली जीवाणु कहते हैं। मोस्टली इसके अंतर्गत आते हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है, ये बेसिली प्रकार का होता है। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी टिटनेस का जो बैक्टीरिया है ये भी बेसिलस प्रकार का होता है। कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी डिफ्थीरिया का ये रोगजनक है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कुष्ठ रोग का जो कारक होता है ये भी बेसिलस प्रकार का होता है। एंड बेसिलस एंथ्रेसिस जो एंथ्रेसिस रोग का कारक होता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं कि इन सभी बैक्टीरिया में या ये सभी बैक्टीरिया वेसिलस शेप में पाए जाते हैं, अर्थात रॉड शेप स्ट्रक्चर में। अर्थात एक बड़ा बनाए हम तो इस प्रकार से ये रॉड शेप स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इस तरह की इनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है रॉड शेप्ड। जब सिंगल है तो बेसिलस, और पेयर में यदि ये पाए जाते हैं तो डिप्लोबेसिलस, और जब ये एक चेन बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं तो ये स्ट्रेप्टोबेसिलस कहलाते हैं। दूसरा इनका महत्वपूर्ण समूह है कोकाई। ये राउंड शेप में होते हैं या स्फेरिकल शेप में होते हैं। यहाँ इस संरचना के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल या राउंड शेप बन जाती है। तो यदि राउंड शेप में जो जीवाणु पाए जाते हैं उन्हें हम कोकाई जीवाणु कहते हैं। और इसके लिए एक वचन कोकस। कोकाई जो वर्ड है ये बहुवचन के अंतर्गत आता है या प्लूरल वर्ड है। कोकस एक वचन है, एक जीवाणु के लिए हम कोकस का उपयोग करते हैं। तो जो माइक्रो को, अब यहाँ पे भी कुछ टर्म्स दे रखे हैं जैसे माइक्रो कोकाई। यदि एक ही सिंगल जीवाणु गोलाकार पाया जाता है उसे हम माइक्रो कोकाई कहेंगे। डिप्लो कोकाई जब
गोलाकार जीवाणु और ये कोकाई वाले जीवाणु हैं, ये दो दो के समूह में पाए जाते हैं या पेयर्स में पाए जाते हैं, तो इसे हम डिप्लोबेसिलस कहते हैं। या इन संरचनाओं के द्वारा देख सकते हैं, आगे और डायग्राम बने हुए हैं उनके जरिए हम आपको बता देंगे। ये दो का समूह हो गया, ये दो का समूह हो गया, ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये एक और एक दो, इस तरह ये जब दो दो के समूह में पाए जाते हैं तो इन्हें हम डिप्लो कोकी के नाम से जानते हैं। टेट्रा कोकाई, टेट्रा टेट्रा चार, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कोकाई बैक्टीरिया हैं ये चार चार के समूह में पाए जाते हैं तो इन्हें टेट्रा कोकाई के नाम से जानते हैं। तो अब ये आप देखो कि ये चार चार के समूह पाए जाएंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये चार चार के जो समूह में पाए जाते हैं उन्हें टेट्रा कोकाई कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ फोर, चार के समूह में ये पाए जाते हैं। जनरली जैसे नाइसीरिया गोनेरिया में है तो ये चार चार के समूह में पाए जाते हैं, इन्हें हम टेट्रा कोकाई के नाम से जानते हैं। स्टेफाइलो कोकाई, स्टेफाइलो कोकाई, जब ये बंच में और एक क्लस्टर में और एक समूह में पाए जाते हैं कोकाई जीवाणु, तो इस प्रकार की आकृति को स्टेफाइलो कोकाई कहते हैं। जैसे इस तरह से ये एक बंच बन गया कोकाई जीवाणुओं का, तो इसे हम स्टेफाइलो कोकाई के नाम से जानते हैं। इस तरह के ये समूह बन गए तो ये स्टेफाइलो कोकाई बंच और एक समूह में या क्लस्टर में पाए जाते हैं, और वो भी गोलाकार जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस, जब गोलाकार जीवाणु चेन बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं तब इन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से जानते हैं। ये एक लंबी चेन बन जाती है, तो एक लंबी चेन के रूप में जब पाए जाते हैं तो इन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकाई के नाम से जानते हैं। सारसिनी, जब ये गोलाकार जीवाणु 8 या 64 और क्यूबिडियल शेप में पाए जाते हैं, अर्थात घन आकार के, इस तरह का घन एक जो बनता है तो घन की शेप में यदि ये लगे होते हैं, आगे इसमें डायग्राम आ जाएगा, इस जस्ट इसके नीचे भी हैं चार, तो ये घन की शेप में बनते हैं तब इसे हम सारसिनी के नाम से जानते हैं, जैसे सारसिनी लुटिया। अब हम ये बात कर रहे थे जैसे माइक्रो कोकाई है, तो ये जो जीवाणु हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस रोजियंस, माइक्रोकोकस रो जीएस, इसमें ये पाया जाता है। डिप्लोकोकस, इसके अंतर्गत आता है डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनी जो निमोनिया का कारक होता है। टेट्राकोकाई, ये ग्रुप ऑफ फोर से या चार का समूह होते हैं, जैसे नाइसीरिया नाइसीरिया गोनेरी में ये पाए जाते हैं। स्टेफाइलोकोकस, इसके अंतर्गत आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये जो जीवाणु है ये एक समूह में पाया जाता है, बंच में पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकाई, ये स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में ये पाए जाते हैं, इस प्रकार की संरचना। सारसिनी, सारसिनी लूटिया में ये पाई जाती है, सारसिनी लूटिया जीवाणुओं में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो अभी हमने आपको बेसिलस प्रकार के जीवाणुओं के बारे में बताया, कोकाई प्रकार के जीवाणुओं के बारे में बताया कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। तो कोकाई जो जीवाणु होते हैं ये गोलाकार आकृति के होते हैं, और जो बेसिलस जीवाणु हैं ये छड़ आकार के होते हैं। आकृति इनकी डिपेंड करती है कि ये एक के समूह में, एक एक के सिंगल सिंगल पाए जा रहे हैं, एक एक पाए जा रहे हैं, या दो दो के समूह में पाए जा रहे हैं, या तीन चार चार के समूह में पाए जा रहे हैं, या ये घन की आकृति बना रहे हैं जैसे सारसीना टाइप है, तो ये भिन्नता इनमें पाई जाती है। उसी के आधार पर डिफरेंट वर्ड का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो माइक्रोकोकाई जिसमें कि सिंगल होगा, डिप्लोकोकाई पेयर्स में पाए जाएंगे अर्थात दो दो के जोड़े में पाए जाते हैं,
टेट्राकोकाई इसमें चार चार के ग्रुप में पाए जाएंगे, स्टेफाइलोकोकाई इसमें एक क्लस्टर के रूप में पाए जाएंगे अर्थात समूह के रूप में पाए जाएंगे, मतलब बंच पाए जाएंगे जगह जगह, और स्ट्रेप्टोकोकाई इसमें चेन के रूप में ये जीवाणु पाए जाते हैं, और सार्स इन्हीं के अंतर्गत 8 या 64 हैं लेकिन क्यूबोडियल शेप में और घन आकार में ये पाए जाते हैं। थर्ड स्पाइरल, स्पाइरल या सर्पिल, तो नाम से ही है कि इनकी जो शेप होती है वो स्पाइरल शेप्ड की होते हैं अर्थात ये सर्पिल शेप्ड होते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं ये मोटाइल होते हैं अर्थात चलायमान होते हैं, तो इनमें फ्लैजिला पाई जाती है, जैसे स्पाइरलम बॉल्यूटेंस जो कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया है या लार्जेस्ट साइज का बैक्टीरिया है। सेकेंड है इसमें ट्रिपेनोमा ट्रिपोनीमा पैलिडम जो कि सिफिलिस रोग का कारक है, यह जीवाणु की आकृति भी स्पाइरल होती है। और फोर्थ जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं विब्रियो, ये होते हैं कोमा शेप्ड, कोमा हम जनरली इस तरह से लगा दिया ये कोमा है, तो ये कोमा शेप्ड में पाए जाते हैं लेकिन हम इसकी स्ट्रक्चर ठीक प्रकार से बना देते हैं, इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। तो कोमा शेप्ड के विब्रियो कॉलोनी जो हैजा का रोगजनक कारक है उसमें कोमा शेप्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ हमने आपको इस लेक्चर के अंतर्गत बैक्टीरिया के साइज एंड शेप के बारे में चर्चा की। साइज जनरली आप ये ध्यान रखें, साइज जनरली जो साइज होती है और एवरेज जो साइज है वो 1 से लेकर और 3 माइक्रोमीटर तक इनकी साइज होती है। स्मॉलेस्ट है डायलिस्टर आता है उसके अंतर्गत, और जो लार्जेस्ट है उसमें स्पाइरलम बॉल्यूटेंस आता है। शेप की हम बात करते हैं तो इसको जनरली 4 क्लासों में बांटा गया है, कोकाई बेसिली स्पाइरल एंड विब्रियो। डायग्राम्स के द्वारा आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, वैसे मैंने आपको बीच बीच में डायग्राम बना दिए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखें कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है या डिप्लोकोकस इसे निमोनी कहते हैं हम, ये दो दो के समूह में पाया जा रहा है, तो ये हो गया डिप्लोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई यहाँ पे ये चेन बनाते हुए व्यवस्थित है, तो इस प्रकार की जो आकृति है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में ये पाई जाती है। टेट्राड या टेट्राकोकाई, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि ये गोल हैं और चार चार के समूह में पाए जा रहे हैं इसलिए ये हो गया टेट्राकोकाई। यहाँ देखिए आप स्टेफाइलोकोकाई जिसमें कि ये बंच के रूप में पाए जाते हैं, कोई निश्चित शेप नहीं है, क्लस्टर और एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे प्रकार के जीवाणुओं की जो आकृति होती है उसे स्टेफाइलोकोकाई के नाम से जानते हैं। ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस में पाई जाती है, ये सभी के सभी गोलाकार आकृति के जीवाणुओं की संरचना बताई गई है, सॉरी जो गोलाकार जीवाणु हैं उनकी आकृति के बारे में बताया गया। सार्सिना ये 8 या 8 के 64 और ये घनाकार आकृति में व्यवस्थित होते हैं, जैसे सार्सिना वेट्रिकुली या सार्सिना लूटिया में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर माइक्रोकोकाई डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई 2 के समूह में है, टेट्राकोकाई 4 के समूह में पाए जाएंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई एक चेन बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं, स्टेफाइलोकोकाई एक क्लस्टर या समूह में पाए जाते हैं, और सार्सिना है ये घन आकार में व्यवस्थित होते हैं। बेसिलई, बेसिली प्रकार के जीवाणु ये क्षण आकार के होते हैं, यहाँ आप डायग्राम के द्वारा स्पष्ट देख सकते हैं कि चेन ऑफ बेसिली, बेसिली जब चेन बनाते हुए व्यवस्थित होता है तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेप्टोबेसिली, जैसे बेसिलस एंथ्रेसिस में के जो रोगजनक जीवाणु हैं वो इसी अवस्था में पाए जाते हैं या इस आकृति में पाए जाते हैं। साल्मोनेला टाइफी है, ये सिंगल है, मोनोबेसिली है तो बेसिली प्रकार का ही होगा, ये बेसिलस आप ये देख सकते हैं क्षण आकार का होता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम में भी इस प्रकार का ही है, ये भी क्षण शेप का ही होता है। डिप्लोबेसिली में क्या होगा, यदि डिप्लो पाया जाता है तो 2 इस तरह से ये जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो बस
ये डिप्लोमेसिली बन जाती है। स्पाइरल, स्पाइरल ये आप देख रखे हैं, स्पायरोकीट भी इन्हें हम कह देते हैं, या ट्रिपे ट्रिपोनीमा पैलिडम में इस प्रकार की ये स्पाइरल संरचना, सॉरी स्पाइरल आकृति पाई जाती है, ये सर्पिल आकृति के होते हैं। विब्रियो ये कोमा आकार के होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी। तो यहाँ आपको हमने जीवाणुओं के आकार और आकृति के बारे में बताया। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। यहाँ आप एक काम और कर लें कि यहाँ आज के लिए असाइनमेंट भी लिख रहे हैं, आकृति के आधार पर जीवाणुओं को कितने भागों में बांटा गया है उसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए असाइनमेंट के रूप में हो जाएगा ये, आकृति के आधार पर जीवाणुओं का वर्णन कीजिए। आकृति के आधार पर लिख लें आप, आकृति के आधार पर जीवाणु का वर्णन कीजिए। तो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, जीवाणुओं के आकृति के आधार पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि आकृति के आधार पर जीवाणुओं का वर्णन कीजिए। थैंक यू।